अभी मैं घर पे आई थी और अर्शी ने मुझे गुड न्यूज दी है। क्या गुड न्यूज दी है वो हम आपको दिखाएंगे, मम्मी बोल रहे हैं। और अर्शू के मार्क्स देखो आप, अर्शू का आज टेस्ट था तो इसके 6 out of 6 आए। और दादी सा ने क्या दिया अर्शू को बताओ? शाबाश, शाबाश दिया है दादी सा ने इसको। कह रहा है शाबाश दिया दादी सा। हाँ कह रहा है धन्यवाद दियो मार बेटा। पापा को कॉल करके कह रहा है कि ना पापा दादी सा ने मुझे शाबाश दिया है। शाबाश दिया तो इसको शाबाश बोल देना भाई सब लोग। कैसे मार्क्स आए बताना फ्रेंड्स मेरे को। 6 में से 6 आए हैं इसके, दिखाऊं आपको बैक कैमरे। तो ये है अर्शु का आज का टेस्ट जिसमें अर्शु लेके आया 6 out of 6 और अर्शु को बहुत सारे स्टार भी दिए मैम ने, है ना अर्शु भैया। और ये देखो हमेशा अर्शु स्टार लेके आता है हमारा, है ना अर्शु। ये देखो इसमें भी अर्शु को स्टार मिला है और इसमें भी अर्शु को स्टार, इसमें भी स्टार, इसमें भी स्टार, सारे पेजेस पे इसको स्टार मिलता है। ये देखो कितने स्टार हो गए अर्शु के पास, है ना अर्शु, बहुत सारे स्टार स्टार हो गए। ये देखो ये भी स्टार, अर्शु होमवर्क बहुत प्यारा करता है। छोरे जाओ ना बेटा, बटक घासा एक लान कौन सा लावा के आज भी है आ ऑनलाइन मंगायो वो आज भी मैं आयो काम पार्सल में। हाँ तो मार छोटा को ना पीसा जरा मैं क्यों तू दे दे। तो मैंने न्यू ड्रेस मंगाई है ऑनलाइन, मम्मी को दिखाने आई। हाँ मम्मी ठीक है, कितना भाई? 800 रुपया को 800 में गया। हाँ मैं देखने ठीक है, 800 रुपया ने खाया भाई, है ना बढ़िया ना। चाल बाबा तो घटक 6 साल ला। अच्छा मम्मी कोई भी कड़ी कोटन है? कहीं कोटन बगड़ कोटन कोई है, सही नंबर होगा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल शोभा भाई साज फैमिली में। सो उठ गए थे हम लोग, बहुत जल्दी उठ जाती हूँ मैं आजकल क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन आज ट्यूसडे है तो मेरा ऑफ है तो मैं करूंगी फुल रेस्ट। लेकिन मैंने सुबह सुबह पूरे अपने ये तीनों अलमारियां क्लीन की है क्योंकि तीनों इतनी गंदी हो रही थी जिसकी कोई हद ही नहीं है, तो मैंने एकदम चकाचक कर दी तीनों अलमारियां। लेकिन इसमें अभी आगे सामान रखा हुआ है, थोड़ा बहुत सामान है क्योंकि मुझे सेट करना है मेकअप वाला, बाकी मैंने रख दी। बाकी मैंने परी के पापा की अलमारी एकदम सेट कर दी अच्छे से, और बच्चों वाली अलमारी में बहुत बसड़ मची हुई थी तो वो भी मैंने ठीक कर दी। अभी मैं सुबह ना मतलब 7:15 बजे लगी थी और अभी जाके फ्री हुई हूँ 10 बजे, इतना टाइम लग गया मुझे। ये ऊपर मेरे कपड़े रखे हुए हैं, नीचे बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं, तो ये मैंने सेट कर दिया। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो सब मैंने निकाल दिए देने के लिए। तो बस अभी नहाने का मन नहीं करा मेरा, फोन देख रही थी मैं थोड़ी देर, मैंने कहा अभी थोड़ा रील्स वगैरह देख लेते हैं, कमेंट्स वगैरह पढ़ लेते हैं, तो यही काम कर रही थी। और अब बस नहाने के लिए जाऊंगी, बस हिम्मत जुटा रही हूँ नहाने की कि बस नहाने घुस जाऊँ मैं। बहुत जोर आता है यार मेरे को नहाने में, आलस आते हैं मतलब बहुत ज़्यादा, और आज नहीं रोज आते हैं मेरे को आलस, बस नहा लूँ ना फिर मेरे को ऐसा लगता है मैंने आज जंग जीत ली है। तो बस अभी कुछ देर में नहाने जाएंगे और परी के पापा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो परी पापा? काय का लेप बना रहे हो? ये पता नहीं आज अलग ही कलाकारी कर रहे हैं, काय का बोल रहे? अच्छा पता नहीं क्या काय का वो बना रहे हैं, लेप सा, लेप लेप थोड़े बोलते हैं यार, क्या और बोले? पेस्ट भी कौन बोले, कुछ और ही बोले, पता मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो परी को पता नहीं क्या काम करने में बिजी हो रहे हैं, और बस इतना पतला करके लाया हो बहुत ज्यादा कोड़ ले नाड़ो थोड़ी मनी इन दही और बस हल्दी है क्या?
फिर पांच लगाए तीन बार लगा लो और कांच में होता लाखों से कांच में पूरी जगह लगा तो नुकसान थोड़ी गया लाखों को पूरी जगह अटैक कर लगा जब था देख एक हफ्ता लगा कंटिन्यू माला कलर बना दो ओ आज ही बनाया होते नहीं बस परतन बदल के तीन गिलास पानी तीन गिलास पानी पीना पड़ी एक गिलास तो सिर्फ होगा नहीं मजे मजे तो से कहते दे पांच दस साल अब तो सारा बोर्ड ले जन कोई नाणो हुए जिया अच्छा अच्छा लगा था मैं नहाने के लिए जा रही थी लेकिन परी के पापा ने ये पता नहीं कौन सा पेस्ट बनाया है तो ये मैंने लगाया फेस पे उन्होंने बोला कि दो बार लगाना तो मैंने दो बार लगा लिया अभी बस एक बार तो ड्राई हो गया था और एक बार ड्राई होना बाकी है थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी और बाकी शेयर करेंगे पूरे दिन का व्लॉग वैसे ही पवन का मैसेज भी आया था कि ना अपन जीटी चलते हैं तो देखते हैं कि कैसे क्या प्लान रहता है अगर जीटी जाने का हुआ तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ठीक है जीटी का व्लॉग भी और पार्सल आया है मम्मी खोलने में लगे हुए मम्मी को मतलब मम्मी को ना बहुत वो रहता है कि पार्सल में क्या है क्या अंगूठो काम करते होते ही खोलो तो अभी मैं ही खोलूंगी कपड़े मंगाए थे वैसे मैंने मम्मी खोल रहे हैं पार्सल मैंने उससे मंगाए थे किससे मंगाए थे लेकिन यार जैसे दिख रहे थे ये बेकार है रिटर्न कर देंगे इसको वापस थाल जी मैगी प्रसाद है कोई नहीं तो ले लो खोल के देखती हूँ तो गाइस हमारा जो मैं बच्चों पढ़ा रही हूँ मैं गेट बंद कर लेती हूँ तो हमारा जो बाहर जाने का प्लान था ना वो कैंसिल हो गया क्योंकि बाहर आज कोई रैली है तो बाहर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है तो पवन ने बोला कि नहीं यार आज ट्रैफिक है आज नहीं चलेंगे अपन कभी नेक्स्ट टाइम चलेंगे तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी तो अच्छा है ये भी है ना वैसे तो मैंने आज ही अपनी अलमारी सेट की थी और ये मैंने नया टॉप भी पहना है आज ही मतलब आज तो नहीं लाई थी बहुत टाइम हो गया मुझे लिए हुए पर काफ़ी अच्छा लग रहा है मैं इसको कैमरे को थोड़ा सेट करती हूँ क्योंकि ये अच्छे से सेट नहीं हुआ है तो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं पहले है ना यस अभी ठीक है ना अभी सही आ रहा है वीडियो तो मैं बुला रही हूँ हाय ये तो मेरा राजा बेटा है इधर लाओ जल्दी 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 स्कूल से आते ही मेरा शेर ट्यूशन पढ़ने लग जाता है ना आज आज मम्मा ने और अर्शु ने दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना है क्या पहना है शी ब्लैक टी शर्ट पहना है भाई है ना किसी का तो मम्मा को अभी देखो ये सुबह है मतलब 9 बजे स्कूल जाता है और उसके बाद ये 1:30 बजे मतलब 1 बजे आ जाता है स्कूल से फिर 1 घंटा ट्यूशन पढ़ता है जीजा की लेट छुट्टी होती है हमारी जल्दी हो जाती है अर्शु की सबसे पहले छुट्टी होती है भाई और अर्शु सबसे लेट जाता है और सबसे जल्दी छुट्टी हो जाती है अर्शु की है ना तो अर्शु 1 बजे आता है और फिर आते ही मैम आ जाती है तो 1 घंटा ये ट्यूशन पढ़ता है अभी 2:15 रहे 2:15 बजे अर्शु फ्री हुआ है ना अब अर्शु फ्री है अब शाम को अर्शु को 1 घंटा सिर्फ होमवर्क करने में लगता है 1 घंटा तो नहीं लगता आधे घंटे में कर लेता है ये सारे नोटबुक्स का और स्कूल का पढ़ाई नहीं स्कूल में अच्छा आज आज टेस्ट नहीं हुआ मैं स्कूल में पढ़ाए थे ट्यूशन मैम ने पढ़ाई ट्यूशन मैम ने पढ़ाई फिर क्या कराया ट्यूशन मैम ने बातें करी थी कुछ नहीं कराया कुछ नहीं कराया बस ओरल ओरल अरे वाह ओरल कराया था बस और कुछ नहीं कराया ट्यूशन वाली मैम ने क्या कराया था अर्शु ऑलर ऑलर कराया था भाई ऑलर तो सिर्फ आज ऑलर करके आया अर्शु
रिटर्न नहीं करके आया है ना बेटी, ऑलर करके आया है। तो बस अभी मेरा शेर आ गया तो मैं बहुत प्यार करती हूँ अर्शु। आई लव अर्शु, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, ओ पापा, आई लव यू मम्मा, आई लव यू टू मेरा बेबी, छोटा बेबी। काम करें, मिर्ची लग गई। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं मस्त सो गई थी दोपहर में, मुझे इतनी बढ़िया नींद आई। बढ़िया तो क्या ही आई, पर एक बार बार डिस्टर्ब करने आ रहे थे रूम में, मतलब कभी वो कुछ लेने आ रहे थे कभी कुछ लेने आ रहे थे, तो मेरी नींद मतलब जाग रही थी बार बार। जब भी गेट खोलता है तो मेरी नींद उठ मतलब उठ जाती है, मतलब जाग आ जाती है मेरे को। तो अभी जो है 7 बज रहे हैं, परीक बाबा बोल रहे हैं कि सुबह से बोल रहे थे कि चल तुम्हें कहीं मतलब बाहर ले चलता हूँ, बाहर ले चलता हूँ। तो अभी मैंने बोला, तो मैंने कहा अगर वो बोल रहे हैं कि झूले झूलाने लेके चलता हूँ जहाँ झूले लगे हुए, मैंने कहा यार नहीं, मतलब अभी बारिश का मौसम किचपचाट सा होता है, मेरे को पसंद नहीं है ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि हाइपर सिटी चल लो, या तो वहाँ बच्चे इन्जॉय भी कर लेंगे और कुछ खा पी के भी आ जाएंगे। वैसे मैंने एक पराठा आलू का खा लिया अभी, क्योंकि मैं उठते मुझे भूख लगती है, तो उठते हुए तो काफ़ी टाइम हो गया खैर, पर फिर भी एक बार पूछ लेती हूँ, कन्फर्म कर लेती हूँ अगर चलना है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मैं बोल रही थी आपको कि मैं चूड़ियों का वीडियो बना दूँ, लेकिन मैंने बनाया नहीं। बताओ आई फ्लू होगा ना, माने मारो, और मैं रात नहीं क्यों, मैं क्या दवाई डाल लियो, पर सुने ही को नहीं मारते कोई, मत यही बावड़ी होगी तो कालो चश्मा लगाओ, मैं बोलूंगा ना माँ को और हो जावे, मत गा लो कालो चश्मा लगा लो। आजकल की मैडम कहीं है, बचाओ को नहीं खुद ने मारूंगा, मत कोई बाया मारो जावे, मन काम रहे बहुत सारो हेरा यान की बद्दुआ मत देखो उन था गानी अब मारे तो भाई आई फ्लू हो जावे तू कुछ देख के वाह सुनोगे अब भाई पर से भी चालू है तो बोलो नहीं मोनियो जुल्ला जाला जुल्बा उठ चलो चेंज कर लो ये अभी करके आती हूँ 2 मिनट में मैं देखो कौन था गानी मैं लार बेटा दिन तुम आ बेटो तो रेडी होगी मैं और मैंने कुछ भी नहीं किया है बस टावर में झुलो झुलाया और काहे कौन करना नहीं यार पर कोबट कौन जाऊंगा मन बेकार लगे कच पचाट में नहीं बढ़िया बोले गेड़ी में बढ़िया। तो अभी हम लोग जाते हैं, जूते चप्पल नहीं समझ में आते कौन से, बच्चों को पार्क से लेने पड़ेगा, बच्चे पार्क गए, मैंने कुछ भी मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही उनके रवाना हो गई, क्योंकि यार मन नहीं कर रहा, अभी शाम हो गई तो अभी चलते हैं, घंटे घंटे एक घंटे एक डेढ़ घंटे में वापस आ जाएंगे, क्योंकि जल्दी आना है, परी को पढ़ाना है, परी को लर्न करवाना है कुछ, इसलिए जल्दी वापस आ जाएंगे। तो अर्शु आया हमारे साथ, परी आई है, दोनों बच्चों को लेके आए हैं, बस आज बच्चों के लिए आए हैं, बाकी हमें कुछ ऐसा शॉपिंग करनी नहीं है। तो अभी हम जाते हैं अंदर और बच्चों को झूले वूले झुलाएंगे और जो खाना होगा इनको वो सब खिलाएंगे। अर्शु कौन सा झूला झूलोगे? ये अर्शु जाएगा फन वर्ल्ड में और साथ में परी भी जाएगी, है ना? परी को आज डांट पीटी है बहुत सारी तो यहाँ पे ये कुछ लगाते हैं, इस पे टाइम वगैरह लिखते हैं कि कितने टाइम के लिए, मतलब कब एंट्री हुई, तो उस हिसाब से अभी 7:50 हो रहे हैं, दोनों के लगा दिए। चलो आ जाओ, पैसे चेंज दे दिए क्या? तो ये अर्शु इतना मतलब वो है ना एक्साइटेड इसमें जाने के लिए, हमेशा इसके आधा घंटा है, आराम से एंजॉय करो। आधा घंटा वाला लिया है हमने, आधा घंटे वाला 200 का था और 15 मिनट वाला 150 रुपये का था, तो हमने फिर 200 वाला ही ले लिया। ठीक है चले जाओ जिसमें भी करना है। अर्शु मजा आ रहा है क्या? ध्यान से जाओ 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 अरे आराम से हाँ हाँ अच्छा ऊपर नहीं चढ़ा क्या? जाओ 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 अरे यार लगती नहीं है इनकी है
बच्चों को उसमें झूले में बैठा के हम लोग आ गए जूडियो वहाँ पे, क्योंकि ना ध्यान रखने वाले सब होते हैं, बच्चों को बाहर निकलने देते नहीं है, तो हम लोग जूडियो में आ गए। अभी कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ समझ आता है तो अभी बस जूडियो में सेल भी आज अभी पता चला मुझे जब मैं आई अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरे सेल के वो लगे हुए हैं, सेल 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 लगा हुआ है। तो देखते हैं अभी कौन कौन से उन पे है सेल वगैरह। और परी के पापा देख रहे हैं ये फ्रॉक और इनको आई फ्लू हो गया यार, इनको चश्मा भी दिलाना पड़ेगा, अभी दिलाएंगे इनको चश्मा। हेलो हेलो, छोटा बेबी देख रहा है। तो गाइज बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अर्शु भैया को सुलाएंगे, ये एक स्टोरी देख के सोएगा आज। और बाकी कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। और बस अब मैं सोने जा रही हूँ, बच्चों को सुलाऊंगी, 11 बज गए, लेट हो गया सोने में। बाय बाय।